हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जनीश। आज आप लोगों को लाइपोमा के बारे में हम बताएंगे, और लाइपोमा पर मेरा दूसरा वीडियो है। और लाइपोमा को होम्योपैथिक मेडिसिन से आप बिल्कुल तरह से ख़त्म कर सकते हैं। और ये लाइपोमा पर मेरा दूसरा वीडियो है। पहले हम लाइपोमा को फर्स्ट वीडियो में हम सारा चीज़ बताए हैं कि लाइपोमा क्या है, लाइपोमा में किस मेडिसिन से आप यूज़ करते हैं। लेकिन मेरा ये जो दूसरा वीडियो है, इसमें हम और अच्छी अच्छी तरीके से बताने का कोशिश कर रहे हैं कि लाइपोमा क्या है, और लाइपोमा का होम्योपैथिक मेडिसिन ही बताएंगे। और लाइपोमा को हम बहुत सारे ठीक भी किए हैं लाइपोमा के केस को। तो लाइपोमा क्या है? वो फैट डिपोजिशन है शरीर पर, जहाँ पर फैट का डिपोजिट हो जाता है, वहाँ पर एक उभरे उभरे गट्ठे टाइप के शरीर पर जो हो जाते हैं, उसी को लाइपोमा बोलते हैं। स्मॉल स्मॉल ट्यूमर होल बॉडी में, सारे जगह शरीर में है, तो उसी को लाइपोमा बोलते हैं। और लाइपोमा में एक चीज और आप जान जाए, ढेर लोग समझते हैं कि कहीं कैंसर का रूप तो नहीं है, लेकिन वो ऐसा चीज़ नहीं है। शुरुआती दौर में अगर किसी किसी केस में, रेयर केस में मिलता है, लेकिन वैसा चीज़ नहीं लाइपोमा केस में आता है। लेकिन अगर उसमें बहुत ज़्यादा दर्द करे, कुछ ऐसा सिम्टम आए, तो हो सकता है। लेकिन लाइपोमा को होम्योपैथिक मेडिसिन से आप पूरी तरह से एकदम साफ कर सकते हैं लाइपोमा का। ऐसे तो एलोपैथ में अब ये क्या करेगा, वो सीधे बाहर निकाल देगा सर्जरी से, लेकिन वो फिर हो जाने का चांसेस रहता है। और होम्योपैथिक मेडिसिन जो है लाइपोमा के, इसमें बहुत बेटर काम करती है। और हम बहुत सारे मेडिसिन को, बहुत सारे रोगियों को होम्योपैथिक मेडिसिन से हम ठीक किए हैं। और पहला चीज़ एक चीज़ तो आप जान जाएं कि लाइपोमा जो है वो एक दिन का चीज़ नहीं है कि एक दिन में हो गया, दूसरा दिन अब चले आए, सालों से है, सालों होने में लगता है लाइपोमा को, लेकिन जाने में भी उसको उतना ही टाइम लगेगा। कम से कम तो साल भर मेडिसिन वैसे केस में चलता है, किसी किसी को नहीं। साल भर मेडिसिन कहिए कि हम चलाए हैं पेशेंट को, और लाइपोमा का पेशेंट को हम ठीक किए हैं। और लाइपोमा का बहुत सारा मेडिसिन आपको बुक में मिलेगा और वीडियो ही मिलेगा लाइपोमा का। अब जैसे कोई कोई अगर बता रहे हैं तो कैल्केरिया कार्ब है, अगर मोटे थुलथुले व्यक्ति हैं तो कैल्केरिया कार्ब लें, दो दो बूंद, ठीक है, भी मेडिसिन है लाइपोमा केस में। दूसरी मेडिसिन फाइटोलका बेरी क्यू, वो भी मोटे लोगों जो हैं उनमें बहुत अच्छा वर्क करती है, लेकिन ठीक है दवा। तीसरी दवा है काली आर्स है, वो भी जो है लाइपोमा केस में काम करती है, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे दवा आपको मिल जाएगा हर एक व्यक्ति का, किसी का कोनियम मेक है, किसी का थूजा है, हर एक का। लेकिन मेरा लाइपोमा पर जो हमें वीडियो बना रहे हैं, लाइपोमा का अगर आप सिम्टम वैसा नहीं जान रहे हैं, तो हर एक केस में लाइपोमा में एक कैल्केरिया फ्लोरिका 6 एक मेडिसिन है, इसे 4 गोली आप सुबह दोपहर शाम 3 बार लें, लाइपोमा का किसी भी केस में बहुत ज़्यादा फायदा करती है। और इसके साथ अगर आपके पेट में गैस बनता है तो कार्बो भेज लें। अगर हल्का कंस्टिपेशन हो तो कंस्टिपेशन का थोड़ी सी इलाज कराएं, और कैल्केरिया फ्लोरिका जो 6 है, उसे जो हम दिखा रहे हैं, इसे 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम, इस मेडिसिन को लें, लाइपोमा आपका 100% क्लीन होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कैल्केरिया फ्लोरिका आप 1 महीना खाए और आपको लाइपोमा ख़त्म हो जाएगा, गांठ ख़त्म हो जाएगा, जो उभरे उभरे ट्यूमर है, ऐसा नहीं होता है। ये जितना धीरे धीरे आता है, उतना ही धीरे धीरे ये लाइपोमा जाता भी है। लेकिन आप होम्योपैथिक मेडिसिन से अगर थोड़ा सा सब्र करें तो ये चला जाएगा 100%। अब बहुत ऐसा केस, किसी किसी केस में ऐसा होता होगा, लेकिन हम तो आज तक नहीं देखे ऐसा केस जिसमें कैंसरस की संभावना है। लेकिन वो भी होता है, लेकिन लाइपोमा केस में अगर उभरे उभरे गांठ है, तो ये कैल्केरिया फ्लोरिका होम्योपैथी की सबसे बेस्ट मेडिसिन है, और आप इसे खाएं। और अगर लाइपोमा के इसमें बहुत ज़्यादा पेन है और कुछ और है, तो उसे आप जाकर नज़दीक के फिजिशियन से जाकर के संपर्क करें। ऐसा नहीं कि बस कैल्केरिया फ्लोरिका, लेकिन छोटे छोटे गांठ आपके शरीर पर, पूरे शरीर में उभरे हुए हैं, तो कैल्केरिया फ्लोरिका खाएं।
इसके साथ गैस की जो एक मेडिसिन आती है आप कारोफेज ले लें, और कुछ और ऐसा सिम्टम मिलता है तो उसे दवाई को लें। लेकिन हम लाइपोमा केस में बहुत सारे पेशेंट को ठीक किए हैं। इसके साथ कल्केरिया फ्लोरिका अगर आप ले रहे हैं तो एक मेडिसिन हम ज़रूर कहेंगे, आप ब्रानिया मेडिसिन आप जानते भी होंगे, उसे आप 200 पावर में ले लें सुबह और शाम चार चार बूंद। और लाइपोमा या कल्केरिया फ्लोरिका जो है 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम, 3 बार लें। अगर गैस बनता है तो गैस की दवा लें, होम्योपैथिक मेडिसिन लें, अगर खाएं तो बस होम्योपैथिक और कोई पैथिक नहीं। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको थोड़ी तो सब्र होम्योपैथिक में करना ही होगा, दवाई धीरे धीरे तो हम बता ही दें कि धीरे धीरे जितना आता है उतना ही धीरे धीरे यही जाता भी है, लेकिन लाइपोमा को होम्योपैथिक से बिल्कुल और 100% ठीक किया जा सकता है। अगर कुछ ऐसा क्रिटिकल केस है तो अपने नजदीक के फिजिशियन से जाकर के संपर्क करें, उसके बाद दवाई लें। ऐसे छोटी छोटी पूरे शरीर में गांठें हैं तो आप कल्केरिया फ्लोरिका आप खाएं, और एक दवा ब्रानिया जो है, माय पॉइंट ऑफ व्यू, हम जैसा बहुत सारे पेशेंट को हम लाइपोमा ठीक किए हैं। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आगे भी हम इस तरह का वीडियो में बताते रहेंगे। ए लाइपोमा पर मेरा दूसरा वीडियो है जो हम चाह रहे हैं थोड़ा सा बढ़िया तरह से बताएं और अपना जान जाए कि होम्योपैथिक में जो उभरे उभरे गांठ है बस इसे कहें आसानी से। लाइपोमा तो ढेर लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि अंग्रेजी है, इसे आप जानिए उभरे उभरे गांठ, छोटा छोटा शरीर पर गांठ रहता है होल बॉडी में, उसी को लाइपोमा बोलते हैं। और वो कल्केरिया फ्लोरिका इसका बेस्ट मेडिसिन है, और जो बता ही दिए आपको गैस बनती है तो गैस की दवा, और अगर पेट में कंस्टिपेशन रहते हैं तो पेट में कंस्टिपेशन को बिल्कुल ठीक करें, आपका लाइपोमा 100% ठीक हो जाएगा। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो फिर करें लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर नहीं भूलिएगा। आगे भी हम ऐसे ऐसे जो कुछ बारीकी चीज़ है उसका हम वीडियो बताएँगे, और आप उस दवा का अगर सेवन करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा और फ़ायदा भी।